हेलो दोस्तों देखिए आज मैं आप लोगों के लिए इस स्वेटर का पूरा फुल मेजरमेंट लेकर आ गई हूँ जो मैंने स्मॉल साइज़ का स्वेटर बनाया था उसका फुल मेजरमेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो भी मेरे व्यूअर हैं जिन्हें बहुत दिक्कत होती है जैसे कभी कोई पार्ट मिला और कभी वो नहीं मिल पाता है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो उस तरीके से मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी मैं हमेशा ही बनाती हूँ जो भी मेरा प्रोजेक्ट होता है कि आखिरी में एक बार मैं फिर से पूरा एक ए टू जेड बता देती हूँ तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में ए टू जेड आपको मैं बता दूँ कि एक ही वीडियो में जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर या जो भी व्यूवर हैं उनको एक ही वीडियो में पूरी हेल्प मिल जाए कि किसने फंदे कहाँ पर हैं कैसे बढ़ाया कैसे घटाया कैसे गला बनाया तो देखिए फिर दोस्तों ये वाली जो ये स्वेटर मैंने स्मॉल साइज़ का बनाया है और ये मैंने जिसके लिए बनाया उसकी एज ट्वेंटी इयर्स है ट्वेंटी ईयर और बीस साल के लिए मैंने ये जें स्वेटर बनाया है तो ये एकदम बिल्कुल फिट आया है ये स्वेटर तो मैं आपको बता दूँ इसको कि मैंने कितने फंदे शुरू से कैसे क्या किया है तो मैंने जो है पूरा ओवरऑल मैंने स्वेटर पूरा मैंने नौ नंबर की सिलाई से बनाया है नौ नंबर की सिलाई से बॉर्डर भी बनाया है नौ नंबर की सिलाई से मैंने स्वेटर भी बनाया है इसमें देखिए बॉर्डर में मैंने नीचे जो बॉर्डर है उसमें मैंने सौ फंदे डाले हैं सौ फंदे डालने के बाद मैंने दो सीधा और दो उल्टे का ये देखिए बॉर्डर बनाया है बिल्कुल सिंपल सा बॉर्डर है जो मेरे बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो भी डाली है बॉर्डर की कि अगर उन्हें नहीं पता तो वो बिगनर्स मेरे मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और बिल्कुल आसान सा बॉर्डर है दो सीधा और दो उल्टा उसके बाद मैंने ये ढाई इंच का बॉर्डर बनाया है लगभग ये बीस सिलाइयाँ पूरी बॉर्डर की बनी है बीस सिलाइयाँ हो गई हैं ढाई इंच हो गया उसके बाद मैंने बढ़ाया नहीं है कोई भी यहाँ पे बॉर्डर के बाद कोई भी फंदे बढ़ाए नहीं है सिर्फ मैंने सीधा उल्टा नॉर्मल बुना है बॉर्डर के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इसे नॉर्मल देखिए बनाया है तो चौदह सिलाइयाँ बनाई है सिंपल सा बढ़ाया नहीं है यहाँ पे फिर चौदह सिलाइयाँ ग्रीन की लगाई फिर चौदह सिलाइयाँ डार्क ग्रीन है फिर लाइट ग्रीन है चौदह सिलाइयाँ उसके बाद देखिए मैंने ये पूरा ऊपर तक प्लेन मोंडे तक पूरा सिंपल सा ब, ब, बना दिया है देखिए यहाँ तक पूरा ये तो इसकी जो है मोंडे से बॉर्डर से लेके मोंडे तक की लंबाई है अट्ठारह इंच मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो है बॉर्डर से लेकर मोंडे तक जो है इसकी लंबाई है आपकी ये अट्ठारह इंच देखिए आ रही अट्ठारह इंच है मोंडे तक देखिए दोनों ये जो है मैंने सिंपल बनाया फिर मोंडे तक मैंने अट्ठारह इंच कर लिया लंबाई उसके बाद मैंने मोंडा घटाया है पाँच तीन दो एक उसके बाद जो है दोनों तरफ से मैंने घटाने के बाद ये यह यहाँ पर देखिए गोल गले की कटिंग की है तो गोल गला थोड़ा और गहरा भी बनता है मैंने यहाँ पे जिसके लिए बनाया उसे छोटा चाहिए था बिल्कुल टाइट जैसे गले के पास तो मैंने वैसा बनाया है देखिए ऊपर की तरफ है थोड़ा तो जैसे साढ़े तीन इंच के बाद आप गले की कटिंग कर सकते हैं गोल गले की लेकिन मैंने साढ़े चार इंच के बाद ये कटिंग की है यहाँ पर तो गोल गले की कटिंग भी मैं आपको बता दूँ इसमें इस वीडियो में कि कैसे मैंने की है तो मैं एक कॉपी पे मैंने बना के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए ये देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ कि गोल गले की कटिंग अट्ठारह इंच बनाने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए गोल गले की कटिंग की है और बीच में मैंने तेरह फंदे डायरेक्ट जो बंद होते हैं साढ़े चार इंच के बाद तेरह फंदे बंद किए फिर दोनों साइडों से मैंने तीन दो और एक को मैंने चार बार घटाया है देखिए यहाँ पर दोनों ही तरफ से ऐसे ही हमें करना है तीन दो और एक को हम चार बार घटाएंगे ये घटाते हुए हमें ये पूरी अपनी लेंथ जो है जो शोल्डर तक हमें चाहिए ये मोंडे से ले कर यहाँ तक हमें नौ इंच बनाना है तो उसी हिसाब से इधर से हम बना कर ये दोनों एक साथ बनता है उसके बाद हमें यहाँ पे पच्चीस फंदे शोल्डर पे चाहिए ये आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे मैंने तेरह फंदे बंद किए बीच में साढ़े चार मोंडे के बाद साढ़े चार इंच बनाने के बाद मैंने ये गले की कटिंग की फिर तीन दो एक एक, एक, एक चार बार घटाकर इसकी पूरी लेंथ जो ये लंबाई है नौ इंच हमें बनाना है मोंडे की ये याद रखिएगा पच्चीस फंदे हम शोल्डर पे रखेंगे ये हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया उसके बाद हम बता रहे हैं, आ, मैं बता रही हूँ आपको कि उसके बाद हमें आ, बैक पार्ट की बात हम करते हैं ये तो आगे की कटिंग हो गई बैक पार्ट देखिए मैंने कैसे बनाया सिंपल बनाया इसमें कलर मैंने दूसरा नहीं लगाया है तो ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ये पूरा वही सौफ़न दे लिए ढाई इंच का बॉर्डर बनाया दो सीधा दो उल्टा का और एक ही कलर से डार्क ग्रीन कलर से मैंने पूरा मोढ़े तक अट्ठारह इंच बनाया है अट्ठारह इंच बनाने के बाद मैंने पाँच तीन दो एक दोनों तरफ से मोढ़े की कटिंग की है पूरा नौ इंच हमें करना है पूरे मोंडे की जो लंबाई है हम रख रहे हैं कंधे तक शोल्डर तक नौ इंच हो जाएगी तब तक हमें बनाना है लेकिन बस नौ इंच होने से पहले सिर्फ चार सलाइयाँ पहले हमें यहाँ पे हम बैक पार्ट में जो गले की गहराई जो कटिंग करते हैं बस हमें क्या करना होता है जब चार सलाइयाँ हमारा ये शोल्डर की जो ल, शोल्डर तक पहुँचने में जो हमारा ये जो बाकी रहता है जैसे नौ इंच है तो जब आधा इंच बचे रहेगा तो हमें जो है यहाँ पे शोल्डर के फंदे छोड़कर ये हम यहाँ पे जो बीच में जितने फंदे आएंगे उन्हें बंद कर देंगे बंद करने के बाद फिर उसको जो जो हमारा आधा इंच चार सलाइयाँ बची थी उसे कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हल्की सी कटिंग जो है बैक साइड में आ जाएगी आपकी गले की कटिंग बहुत से लोग नहीं भी करते हैं कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो कर भी सकते हैं मैंने किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर ये तो बैक और फ्रंट का ये मेजरमेंट हो गया अब हम आते हैं स्लीव्स पर स्लीव्स के भी मेजरमेंट मैंने अलग से दिए लेकिन मैं इसमें फिर से बता रही हूँ आपको यहाँ पे मैंने 52 फंदे डाले 52 फंदे डालने के बाद ढाई इंच का बॉर्डर बनाया है लगभग बीस सिलाइयाँ बनाया है और यहाँ पे देखिए ये दो सीधे दो उल्टे का ही बॉर्डर है जैसे मैंने उसमें डाला है स्वेटर के बॉर्डर में आगे और पीछे के पार्ट में उसके बाद मैंने यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाए हैं जनरली यहाँ पे फंदे बढ़ते हैं मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाए हैं आप अगर चाहें तो बढ़ा सकती हैं फिर मैंने यहाँ पे चार चार सिलाई पर फंदे बढ़ाए हैं हर चौथी सिलाई पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो जैसे बीच में जो फंदे बढ़ते हैं मैं वो बता रही हूँ किनारे तो मैंने बढ़ाया है यहाँ पर दो फंदे फिर उसके बाद चौथी सिलाई पर फिर उसके बाद चौथी सिलाई पर इस तरीके से नौ बार मैंने बढ़ा कर, नौ बार चार चार सिलाई पे बढ़ाया है उसके बाद मैंने छः छः सिलाई पर बढ़ाते हुए इसकी पूरी जितनी हमें लेंथ चाहिए थी और जितने फंदे चाहिए तो ये पूरा जो है मोंढ़े तक ये मैं बता दूँ कितना कितने फंदे हो गए सौ फंदे हो गए मोंढ़े तक और इसकी लंबाई पूरी मोढ़े तक आ गई है जब हम कटिंग करेंगे स्लीव मैंने थोड़ी लंबी रखी है तो देखिए स्वेटर से एक इंच लंबी है ये देखिए यहाँ से ये शुरू हो रही है और यहाँ पे ये उन्नीस इंच आ रही है स्वेटर की लेंथ है मोंडे तक यहाँ पे अट्ठारह मैंने ये उन्नीस यहाँ पे देखिए रखा हुआ है और नौ इंच आप मोंडे की लंबाई रखेंगे मोंडे से लेकर शोल्डर तक तो ये सौ फंदे हो जाएंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर कैसे घटाएँगे पाँच तीन दो घटाने के बाद हर सिलाई पे दो दो फंदे एक एक दोनों साइड से हम घटाते हुए पूरी जितनी भी आपको ये स्लीव्स की आपको ये मोडे की जितनी भी ये लेंथ है ये आपको चाहिए उतना हमें नौ इंच करना है उसके बाद देखिए मैं बता दूं ये पूरा मैंने नौ इंच कर लिया तो मैंने जितने भी फंदे बचे थे छब्बीस या छब्बीस बचे थे मैंने बंद कर दिए अब ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई पूरा टोटल यहाँ पे जो हमारे फंदे बढ़ कर आए थे ये हंड्रेड फंदे हो गए थे उसके बाद मैंने यहाँ पे पाँच तीन दो एक ये मोंडे की कटिंग मैं स्लीव में बता रही हूँ पाँच तीन दो एक और उसके बाद पूरा मतलब एक एक एक-एक दोनों साइडों से एक एक दो दो फंदे घटाते हुए हम ये पूरी अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी स्लीव्स तैयार है अब मैंने ये सबको सिल दिया सब कुछ बना दिया मैंने ये गले की जो है मैंने आपको गले का भी बताया है मेजरमेंट मैंने पूरा जो है सर्कुलर नीडल से इसमें सौ फंदे उठाए सौ नहीं एक सौ दो उठाए थे मैंने दो घटाकर कर एक सौ फंदे रखे गले में और बहुत अच्छा गला बना है बिल्कुल फिट जैसे चाहिए था वैसे ही बना है डबल बॉर्डर बनाया है मैंने सुई की सुई की मदद से मैंने इसे सिला है मैंने ये भी आपको वीडियो में दिखा दिया अगर आप चाहें जो भी मेरे व्यूवर हैं अगर ये गला बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर ये गला देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया ये मैंने ये जो बनाया है ये पूरा जो है यहाँ से लेकर सॉफ अंदर जब उठाएँगे तो 28 सिलाइयाँ राउंड राउंड करने के बाद अट्ठाईस सिलाइयाँ बनाई है फिर फोल्ड किया है मैंने और स्वीक से सिला है अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं तो देखिए ये हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है अगर आपको ये स्वेटर और ये सिंपल सा पैटर्न है इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है बस दो कलर को मैंने यूज़ किया है अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप भी इसे बनाइए और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो तो आप ज़रूर जो है मुझे मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू